मुरादाबाद नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी लगातार अपने जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से समाज में यह संदेश देने का काम कर रहे हैं कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। मुरादाबाद में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव का मतदान किया जाएगा, उससे पूर्व सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। मुरादाबाद में नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने हाजी यूसुफ अंसारी को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद लगातार हाजी यूसुफ अंसारी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। शुक्रवार को मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में पहुंचकर हाजी यूसुफ अंसारी ने जनसंपर्क किया और सभी से समाजवादी पार्टी के हक में वोट करने की अपील भी की। इस दौरान हाजी यूसुफ अंसारी का ये कहना था कि अखिलेश यादव की नीतियों को लेकर हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता हमें भरपूर प्यार दे रही है। जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से स्थानीय निवासियों ने हाजी यूसुफ अंसारी का फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया और उन्हें समर्थन देने की बात भी कही। हाजी यूसुफ अंसारी ने सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए कहा कि मुरादाबाद में आगामी 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव का मतदान होना है, जिसको लेकर समाज में संदेश दिया जा रहा है कि सभी लोग भरपूर सहयोग दें। और समाजवादी पार्टी को विजयी बनाने के लिए मुझे अपना समर्थन और वोट दें। हाजी यूसुफ अंसारी का ये कहना है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सिटी चैनल से बात करते हुए नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी ने कहा, प्रचार कैसा कैसा चल रहा है, धुएंधार प्रचार चल रहा है और जनसंपर्क हो रहा है जगह जगह। किशनपुर गए थे, हरतला गए थे, जोधीपुर गए थे और मुजफ्फरनगर गए, वहां से होते हुए फिर अभी नदी की मंडियों में गए, आवाम के जयंतीपुर बगिया में गए, वहां से होते हुए मंदिरवादी गली से निकलते हुए अब सीधा इंशाल्लाह दिल्ली जाएंगे। दिल्ली के बाद में फिर दुनिया कॉलोनी जाना है, उसके बाद में फिर ढेर जाना है। इस तरीके से प्रोग्राम छोटे छोटे।